नमस्कार, मैं प्रिया तायर, आपका स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ हौसलों, उम्मीदों और कुछ नया, दुनिया से हटकर नया करने वाले लोगों के जज्बे की कहानियाँ। डाकिया डाक लाया, खुशियों का पयाम कहीं दर्दनाक लाया। बचपन से आपने डाक लाने वाले पुरुष के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी महिला को डाक लाते देखा या सुना है? शायद नहीं। चलिए फिर आज हम आपको मिलवाते हैं महिला डाकिया से, जिसने अपनी जिंदगी के 3 दशक तक घरों तक डाक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की पहली महिला डाकिया इंद्रावती की। डाकिया का काम पुरुष प्रधान का होता है, लेकिन इंद्रावती ने इस तथ्य को भी बदल दिया। इंद्रावती हर रोज सुबह 5 बजे उठकर घर का काम करने के बाद दफ्तर जाती और वहां से कई लोगों की उम्मीदें, खुशियां और दर्द भरे झोले को उठाकर निकल जाती। एक दिन में वह कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलती और लोगों को घर तक डाक पहुंचाती। इंद्रावती एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखती हैं जो लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब इंद्रावती की मां का निर्धन हो गया तो उनके स्कूल भेजा गया। 13 सितंबर 1982 में इंद्रावती ने डाकिया की नौकरी शुरू की थी, जो परंपरा से हटकर थी, लेकिन इंद्रावती अपनी हमेशा इसे जीवन यापन का एक साधन समझा। इंद्रावती ने एक डाकिये के रूप में शुरुआत की थी और उसी रूप में वो रिटायर भी हो गई। उनकी पहली और आखिरी पोस्टिंग एक ही जगह रही, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास गोल डाकखाने में। इंद्रावती बताती हैं कि उस वक्त डाकखाने में महिला डाकिया होना बड़ा अजीब बात थी और दूसरे सेशन से लोग उन्हें देखने आते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद काफी कुछ बदल गया और लोग उन्हें जानने लगे। इंद्रावती के महिला डाकिया बनने के 7 से 8 साल बाद एक और महिला डाकिया आई और फिर ये संख्या बढ़ती चली गई। इंद्रावती कहती हैं कि लोग उनके काम की काफी तारीफ करते थे, लेकिन शुरू शुरू में जब इंद्रावती चिट्ठी देने जाती तो कोई यकीन ही नहीं करता कि वो डाकिया हैं और उन्हें अपना कार्ड दिखाना पड़ता। कई बार तो आसपास के लोग उन्हें देखकर रुक जाते थे। इंद्रावती सिर्फ लोगों के घर चिट्ठियां ही नहीं पहुंचाती थी, बल्कि कई बार उन्हें पढ़कर भी सुनाती थी। इस बारे में इंद्रावती कहती हैं कि मुझे अपने पढ़े लिखे होने की खुशी उस वक्त सबसे ज्यादा हुई जब मैंने लोगों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाई। कई लोग, खासकर बुजुर्ग, पढ़ ही नहीं पाते थे। जब मैं उनकी चिट्ठी पढ़ती तो वो खुश होकर मुझे आशीर्वाद देते थे। इंद्रावती कहती हैं कि उनके दफ्तर में घर से ज्यादा प्यार मिला। उनका बाल विवाह हो गया था, घर वालों के विरोध के बावजूद भाई और ससुर के सहयोग से उन्होंने पढ़ाई की और फिर महिला डाकिया की नौकरी की। 2 बच्चों की माँ और 4 बच्चों की दादी इंद्रावती ने अपनी बहू की पढ़ाई भी जारी रखी और पूरी करवाई। लोगों के साथ अपनी जिंदगी के अनुभवों को बारे में बात करते हुए इंद्रावती कहती हैं कि जब वो रिटायर हुई तो उनके दफ्तर और घर में कार्यक्रम रखा गया, जहाँ उनसे वो लोग भी मिलने आए जिनके घर में वो रेगुलर चिट्ठियां पहुंचाती थी। इंद्रावती कहती हैं कि शायद अब वक्त है कि हमें पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन शब्द का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, ताकि यहाँ भी लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। इंद्रावती का ये सपना कब सच होता है अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज के वक्त में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जज्बे से भरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।